हरियाणा कांग्रेस में फूट तो आए दिन देखने को मिलती है, अब जरा भाजपा नेताओं की गुटबाजी पर भी नजर डाली जाए। ये तस्वीरें रोहतक की है, जहां फरीदाबाद की जनउत्थान रैली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतक को 315 करोड़ की लागत से बने रेलवे एलिवेटेड ट्रैक की सौगात दे रहे थे। उस वक्त रोहतक में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और सांसद अरविंद शर्मा के बीच गुटबाजी साफ साफ नजर आई। वैसे ग्रोवर और अरविंद शर्मा के बीच काफी समय से 36 का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन आज जब अमित शाह के कार्यक्रम में भी दोनों नेताओं में दूरियां दिखी तो गुटबाजी के सवाल फिर से ताजा हो गए। दरअसल रोहतक के श्री लाल नाथ हिंदू कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में ना तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और ना ही दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालात ये थे कि मंच पर मनीष ग्रोवर सम्मानित होते रहे और सांसद अरविंद शर्मा नीचे बैठे चुपचाप देखते रहे। हालांकि प्रोटोकॉल के हिसाब से रोहतक के उपायुक्त को सांसद के पास बैठना चाहिए था, लेकिन उपायुक्त भी ग्रोवर के साथ बैठे रहे। वहीं कार्यक्रम के बाद गुटबाजी पर सवाल पूछा गया तो सांसद अरविंद शर्मा ने विवादों को हवा देने की बजाय उसे टालने की कोशिश करने लगे। एक बड़ा कार्यक्रम था, दोनों नेताओं की फिर एक बार तनातनी देखने को मिली। ना ना, कोई तनातनी नहीं, मेरी तरफ से तो कोई तनातनी है नहीं। हम तो बिल्कुल माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में प्रोग्राम था, आए हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्राम सम्पन्न हुआ। प्लाक यहाँ पर लगाया गया है, एक का उद्घाटन माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, दूसरे का हम सब ने मिल करके पूरी, मैं कहूँगा पूरी रोहतक की जनता ने किया। और मैं एक और भी कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा एलिवेटेड फ्लाईओवर, मैं अपनी तरफ से और रोहतक की अपने साथियों की तरफ से इस फ्लाईओवर को माननीय हमारे परम आदरणीय डॉक्टर मंगल सेन जी को इसको समर्पित करता हूँ कि एक ऐसे महापुरुष जो है उनके नाम से, जो है एक ऐसे ईमानदार महापुरुष जो है जिन्होंने रोहतक के लिए नहीं हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया, एक ऐसी मिसाल कायम की जो ईमानदारी की मिसाल है, जो बिल्कुल सिद्धांतों की मिसाल है, जो हर चीज़ से ऊपर उठ करके देश को राज्य को आगे बढ़ाने की मिसाल। अरविंद शर्मा ने भले ही मनीष ग्रोवर से कोई रंजिश न होने की बात कही है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पिछले काफी दिनों से दोनों नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, जिसके चलते आए दिन दोनों नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा दिख जाता है। बहरहाल अरविंद शर्मा ने जहां इस विवाद को टालने की कोशिश की तो वहीं मनीष ग्रोवर ने इस मसले पर कुछ भी बोला ही नहीं। दोनों नेताओं ने अमित शाह और मुख्यमंत्री खट्टर का आभार जताया और उसके बाद अरविंद शर्मा और ग्रोवर अपने अपने रास्ते की ओर चलते बने। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।